मूवी की शुरुआत एक व्हाइट चूहे को दिखाते हुए होती है जो एक पजल में ट्रैप होता है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर यहां से सीन शिफ्ट हो जाता है एक लड़की पर जो एक चैम्बर में होती है। उस लड़की की बॉडी पर बहुत सारी डिवाइसेस लगाई हुई होती हैं, और जैसे ही वो होश में आती है वो बहुत डर जाती है और अपनी बॉडी से सारी डिवाइसेस हटाने लगती है। तभी चैम्बर के सिस्टम में कुछ आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि उसमें एरर आ गया था और अब उसमें सिर्फ 35% ऑक्सीजन ही बची थी। पहले तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और इस वजह से वो बहुत डर जाती है और सोचती है कि वो कहां आ गई है। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सिस्टम से पूछती है कि वो कौन है और यहां कैसे आई। सिस्टम उसको उसका काफी अजीब सा नाम बताता है, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं होता। लड़की सिस्टम से पूछती है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ। इस पर सिस्टम उसका रिफ्लेक्शन खाता है, और फिर उस लड़की को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसको चूहे दिखते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। फिर वो सिस्टम से पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन सिस्टम उसको ये बताने से मना कर देता है। वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और फिर तभी उस सिस्टम से आवाज आती है कि अपना कोड बताएं, पर उस लड़की को कोई कोड नहीं पता था। फिर उसको ये सोचकर एक आइडिया आता है, जब ये सिस्टम उसकी सारी बात मान रहा होता है तो क्यों ना फिर ये सिस्टम से ही कहकर पुलिस को कॉल लगवाए। वो लड़की सिस्टम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, और वो सिस्टम ऐसा ही करता है, वो पुलिस को कॉल करता है। लड़की पुलिस से बात करती है और उसको बताती है कि वो किसी अजीब सी जगह पर फंस गई है और उसको नहीं पता कि ये कहाँ है। वो पुलिस को ये भी बताती है कि वो एक चैम्बर में है और उसका मॉडल नंबर भी बताती है, पर पुलिस को अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। लड़की पुलिस से उसकी कॉल ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करने के लिए कहती है, और तभी कॉल कट हो जाती है। इसके बाद वो लड़की सिस्टम से अपना डीएनए मैच करने के लिए कहती है कि मुझे बताओ क्या मेरा डीएनए किसी से मैच होता है क्या। सिस्टम ऐसा ही करता है और उसको बताता है कि हाँ, उसका डीएनए किसी से मैच कर रहा है। फिर सिस्टम उस लड़की को उसका फेस दिखाता है, और उस लड़की का नाम एलिजाबेथ होता है। इसका मतलब था कि उस लड़की का नाम भी एलिजाबेथ था, लेकिन पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इस चैम्बर में बंद हो गई। और फिर तभी पुलिस की कॉल उसके पास आती है, जो एलिजाबेथ से पूछती है कि जिस चैम्बर में तुम बंद हो उसमें ऑक्सीजन है। और जब पुलिस एलिजाबेथ से ऑक्सीजन लेवल के बारे में पूछती है तो सिस्टम बताता है कि यहाँ पर बस 31% ऑक्सीजन बची है, जो सिर्फ एक घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा चल सकती है। लेकिन अगर एलिजाबेथ ऐसे ही डरेगी तो वो एक घंटा भी ज्यादा नहीं रह पाएगी। फिर पुलिस एलिजाबेथ से चैम्बर के ओनर के बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन लड़की को कुछ नहीं पता चलता। सिस्टम एलिजाबेथ से कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, तो क्या मैं तुमको मार दूं? लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और सिस्टम से अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहती है। फिर सिस्टम एलिजाबेथ को उसके बारे में बताता है, और उसको पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में वो इस वक्त बंद है वो उसी का एक्सपेरिमेंट था, और इसने खुद को ही इसमें बंद किया था, लेकिन अब उसको कोई भी कोड या कुछ भी याद नहीं था। अब एलिजाबेथ सिस्टम से उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने के लिए कहती है, जिसमें वो एक पिक्चर देखती है और उसमें उसका हस्बैंड उसके साथ होता है। और फिर वो सिस्टम से अपने हस्बैंड के नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन जब सिस्टम उसके हस्बैंड को कॉल करता है तो एक लेडी उसका कॉल उठाती है। एलिजाबेथ लेडी से कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है और उनको फोन दे दो, लेकिन वो लेडी गुस्से में उससे कहती है कि यहाँ दोबारा कभी कॉल मत करना। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए चैम्बर को ओपन करने का ट्राई करने लगती है, लेकिन वो चैम्बर नहीं खुलता। तभी उसको चैम्बर में एक चूहा दिखता है और वो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि ये टाइम डरने का नहीं है, ये सब मेरी इमेजिनेशन है। वो चैम्बर में से ही एक इंजेक्शन लेती है और चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। और फिर उसको दोबारा से पुलिस की कॉल आती है और वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि तुम अपनी मदर के साथ रहती हो, लेकिन एलिजाबेथ कहती है, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास रहती हूँ और मैंने उनको कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं, बल्कि किसी लेडी ने उठाया था। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि ये सब आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है। और फिर एलिजाबेथ दोबारा से अपनी पिक्चर्स देखती है, जिन पिक्चर्स में अब उसका हस्बैंड नहीं दिखता। इसका मतलब ये था कि ये तो सच में उसकी इमेजिनेशन ही थी। फिर पुलिस वाला एलिजाबेथ को उसकी माँ का नाम बताता है, लेकिन वो कहती है, नहीं, ये मेरी मदर का नेम नहीं है। तभी एलिजाबेथ पुलिस ऑफिसर को किसी और से बात करते हुए सुनती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई पुलिस ऑफिसर को एलिजाबेथ को
गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोर्स कर रहा है और फिर कॉल कट हो जाती है। फिर उसको एक और कॉल आती है लेकिन वो उस कॉल को पिक नहीं करती और सिस्टम से पुलिस की कॉल की रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहती है, जिसको सुनकर उसको विश्वास हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोर्स कर रहा है। फिर एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड के विजन दिखने लगते हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी इमेजिनेशन है या सच। वो देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत बीमार है। एलिजाबेथ बहुत दुखी हो जाती है। तभी एलिजाबेथ को एक कॉल बार बार आती है और ये कॉल उसी लेडी की थी जिसने एलिजाबेथ के हस्बैंड का कॉल उठाया था। वो लेडी एलिजाबेथ को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है और जिस चैम्बर में इस टाइम तुम हो उसके बारे में भी मुझे पता है और उसको ओपन करने का कोड भी मुझे पता है। एलिजाबेथ उसे कोड बताने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो लेडी उसको कोड बता देती है और एलिजाबेथ इमीडिएटली उसको ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी वो लेडी उसको रोक देती है और कहती है कि इसको अप्लाई मत करो, इससे तुम्हारी लाइफ डेंजर में हो सकती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर लूं। इस पर वो लेडी उसको बताती है कि तुम स्पेस में हो, तुमको एक मिशन के लिए स्पेस में भेजा गया था लेकिन ऊपर जाकर तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया था जिस वजह से तुमको हाइब्रेशन मोड में सेट करना पड़ा। तुमको पता भी नहीं है कि तुम कितने टाइम से उस चैम्बर में सो रही हो और इसी वजह से तुम्हारी ऑक्सीजन भी बहुत कम खर्च हुई है, लेकिन क्योंकि अब तुम जाग गई हो इसलिए अब तुम ऑक्सीजन भी यूज कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारा भी ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है। अगर तुमने इस चैम्बर को ओपन किया तो तुम खो जाओगी क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी है और एक बार चैम्बर से बाहर निकलने के बाद तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो लेडी कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमको फिर से हाइब्रेशन मोड पर डाल सकती हूँ जिससे तुम फिर से सब कुछ भूल जाओगी और तुमको कुछ भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। फिर एलिजाबेथ उस लेडी से पूछती है कि मुझे किस मिशन के लिए स्पेस पर भेजा गया था। वो लेडी उसको बताती है कि कुछ ही सालों में दुनिया खत्म होने वाली थी और क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग थी इसलिए स्पेस पर जाने के लिए तुमको चूज करा गया था जिससे कि तुम वहाँ रहने के लिए कोई सुटेबल प्लेस ढूंढो जहाँ इंसान रह सके जब दुनिया बिल्कुल रहने लायक ना रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाकर सिस्टम खराब हो गया और हमें तुमको हाइब्रेशन मोड पर डालना पड़ा। एलिजाबेथ कहती है मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास तो कर लूं लेकिन फिर वो पुलिस ऑफिसर मुझे झूठ क्यों बोल रहा था। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि वो किसी के फोर्स में आकर मुझसे वो सब बोल रहा था, पर किसके। वो लेडी कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो, वो तुमसे झूठ बोल रहा था क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुमको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है इसलिए वो लोग तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल खत्म करना चाहते हैं जिससे कि तुम वहीं मर जाओ क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कोई और तरीका नहीं है। एलिजाबेथ ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम अपसेट मत हो, अगर तुम चाहती हो कि कोई मिरेकल हो जाए तो तुम फिर से हाइब्रेशन मोड पर चली जाओ जिससे तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होगा क्योंकि अगर एक बार ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गई तो तुम वहीं पर मर जाओगी। अब एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि हाइब्रेशन मोड पर कैसे जाएंगे। वो लेडी उसको हाइब्रेशन मोड पर जाने के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी उसके घर में कुछ लोग आ जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। लेकिन फिर वो एलिजाबेथ को बताती है कि जब तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 2% रह जाएगा तो तुम हाइब्रेशन मोड पर चली जाना क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल 2 से कम हुआ तो तुम मर जाओगी। एलिजाबेथ अपना पास्ट याद करने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसको कुछ याद आ जाए इस चैम्बर से बाहर निकलने के बारे में, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। वो चैम्बर को जोर जोर से खोलने की कोशिश करने लगती है जिससे कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और उसको कुछ याद आ जाए। तभी उसको कुछ विजन्स दिखने लगते हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ होती है और वो सच में किसी वायरस की वजह से मर चुका होता है। एलिजाबेथ के विजन में उसका हस्बैंड उससे कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर एलिजाबेथ सोचती है कि अब तो वो मरने ही वाली है और इसलिए वो अपनी माँ से बात करने का डिसाइड करती है। वो सिस्टम से अपनी माँ को कॉल करने के लिए कहती है और काफी देर तक वो उनसे बात करती है। फिर एलिजाबेथ सिस्टम से पूछती है क्या स्पेस में मैं अकेली हूँ। सिस्टम उसको बताता है कि नहीं, स्पेस में करीब 10,000 और भी चैम्बर्स हैं। एलिजाबेथ कहती है वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे। सिस्टम उसको बताता है कि ग्लास पर एक शील्ड है और जैसे ही सिस्टम वो शील्ड हटाता है एलिजाबेथ बहुत डर जाती है क्योंकि उसने बाहर एक डेड बॉडी देख ली थी जो कि वहाँ हवा में उड़ रही थी, यानी कि वो सच में स्पेस में ही थी। एलिजाबेथ को बहुत सारे चैम्बर्स दिखते हैं। उसको विजन आता है कि उसका हस्बैंड इनमें से किसी एक चैम्बर में है। फिर वो सिस्टम से कहकर अपने हस्बैंड का चैम्बर देखती है और वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुश होती है और उसमें जिंदा रहने की उम्मीद जगती है। फिर एलिजाबेथ को एक और विजन आता है जो इस बार रियल था। विजन में वो अपने पास्ट की एक मेमोरी को देखती है जिसमें कुछ चूहों को पजल में डालकर उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और वो चूहा उस पजल को पार कर लेता है। उसके सारे जीन्स और कुछ स्पेशल मेमोरीज दूसरे चूहे में डालकर ये पता करते हैं कि क्या वो चूहा भी पजल पार कर लेगा और जिस चूहे के साथ सबसे पहले
पहले ऐसा किया गया था वो पहली बार में ही पजल पार कर लेता है। और ये सभी एक्सपेरिमेंट और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ ही कर रही होती है, जो रियल वर्ल्ड में अब बुढ़ी हो चुकी थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो लेडी इतने टाइम से एलिजाबेथ से बात कर रही थी वो एक्चुअल में वो एलिजाबेथ ही थी, ओल्ड एलिजाबेथ। और जो चैम्बर में थी वो एक क्लोन एलिजाबेथ थी। और यहाँ वही एक्सपेरिमेंट किया गया था जो चूहों पर किया जा रहा था, मतलब कि रियल एलिजाबेथ की सारी मेमोरीज उसके क्लोन में डाल दी गई थी। और एलिजाबेथ के अलावा स्पेस में जो भी लोग थे वो सभी क्लोन ही होते हैं। उधर एलिजाबेथ देखती है कि अब उसका ऑक्सीजन लेवल 3% ही रह गया है। और तभी उसको उस लेडी की बात याद आती है जो सिस्टम से खुद को हाइब्रेशन मोड पर सेट करने के लिए कहती है। सिस्टम उससे कहता है कि तुमको अपनी बॉडी से सारे डिवाइसेस हटा दिए हैं, इसलिए अब ये पॉसिबल नहीं है। एलिजाबेथ फिर से अपनी बॉडी पर वो सारे डिवाइसेस लगा लेती है, लेकिन उन्हें लगाने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि हाइब्रेशन मोड में जाने के लिए उसको 2% ऑक्सीजन लेवल की जरूरत थी, लेकिन अब उसके पास 0 point something ही ऑक्सीजन लेवल बचा था। एलिजाबेथ एक्सेप्ट कर लेती है कि अब वो मर जाएगी, और इसलिए वो अपने हस्बैंड के लिए सिस्टम की हेल्प से एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिससे कि जब वो उठे तो उसको उसका मैसेज मिल जाए। और फिर वो गुड बाय कहकर आइस क्लोज कर लेती है। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है और वो सिस्टम से पूछती है, जो लोग मर चुके हैं उनके चैम्बर्स तो अब खाली होंगे ना, और उनके चैम्बर में ऑक्सीजन भी होगी। सिस्टम कहता है हाँ। फिर एलिजाबेथ पूछती है, क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे चैम्बर में ट्रांसफर हो सकती है? सिस्टम बोलता है, जरूर, सारे चैम्बर्स का सिस्टम सेम ही है, इसलिए उनकी ऑक्सीजन ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए 2-3 दिन लगेंगे और उसके लिए एलिजाबेथ को हाइब्रेशन मोड पर जाना होगा। एलिजाबेथ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं हाइब्रेशन मोड पर जाने के लिए ट्राई करती हूँ, पर तुम जल्दी से ऑक्सीजन ट्रांसफर कर लेना। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के चैम्बर में ऑक्सीजन रिफिल हो चुकी थी और वो हाइब्रेशन मोड पर होती है। और फिर जब काफी साल बाद एलिजाबेथ की आईज फिर से ओपन होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसी प्लेनेट पर होती है जिस पर जाने के लिए वो स्पेस में आई थी। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती है और यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। ये था ऑक्सीजन मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।